पोस्ट बैक्यूलरेट फार्मेसी कैसा, यहाँ पे सवाल है इन चीज़ों के ऊपर, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में बहुत ही कम लोग बातें करते हैं। और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे पोस्ट बैक्यूलरेट फार्मेसी यहाँ पे आप कैसे कर सकते हो, यानी फार्मडी जैसे कोर्सेज आप डिग्री कम्प्लीट होने के बाद 3 साल समय देकर कैसे कर सकते हो, इसके क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या यहाँ पे नुकसान होता है, ऐसे बहुत सारे हाइप के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिए। दोस्तों यहाँ पे फार्मडी जो कोर्स होता है लोगों को बहुत पसंद आता है। आज की डेट में इस चीज़ के ऊपर लोग बहुत ज़्यादा डिस्कशन करते हैं और जितने भी सारे लोग आज की डेट में फार्मेसी फील्ड में आ रहे हैं वो सोच रहे हैं कि फार्मडी कोर्स को वो जाए, फार्मडी कोर्स को एडमिशन ले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये कोर्स IIT जैसे बन गया है, क्योंकि इस कोर्स के बहुत ही कम कॉलेजेस है और इस कोर्स को बहुत लोग ज़्यादा एडमिशन लेना चाहते हैं। और ये फार्मडी जो कोर्स है लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद इसलिए क्योंकि इस कोर्स के बाद आपको एब्रॉड जाने के चांसेस होते हैं। दूसरी बात ये होती है कि ये कोर्स बाकी के फार्मेसी कोर्सेज के अलावा बहुत अलग है, इसके सिलेबस भी बहुत अलग है। तीसरी बात यह है कि ये जो कोर्स है वो क्लिनिकल फार्मेसी, हॉस्पिटल फार्मेसी और रिसर्च के बेसिस के ऊपर बहुत चलता है। तो इस वजह से इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपके एट द एंड आपके इस कोर्स के आपको हॉस्पिटल में इंटर्नशिप वगैरह भी करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है इस कोर्स के बारे में और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक की डिटेल में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहली बात कि यहाँ पर जो कोर्स है ये 12th के बाद भी आप कर सकती हो, 7 सालों तक ये कोर्स, 7 साल के टोटल कोर्स होता है। आपको 5 एंड हाफ ईयर आपको कोर्स की थ्योरी होती है और आपको इनिशियल एट द एंड आपको हॉस्पिटल में यहाँ पे इंटर्नशिप करनी होती है 1 या 1.5 साल, और ये बहुत अच्छा कोर्स है। दूसरी बात याद है कि ये जो कोर्स है ये आपको डिग्री के बाद भी आप कर सकती हो, यानी आपकी बी फार्मेसी डिग्री करने के बाद। हालांकि बहुत सारे लोग ऐसी इसी वजह से जाती है क्योंकि लोगों को लगता है कि डायरेक्टली यहाँ पे फार्मडी कोर्स को एडमिशन लेना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, तो क्यों ना हम जैसे डी फार्मेसी के बाद बी फार्मेसी सेकेंड ईयर को हम एडमिशन लेते हैं, उसी तरह से डिग्री कंप्लीट होने के बाद हम डायरेक्टली यहाँ पे फार्मडी के सेकेंड थर्ड ईयर में एडमिशन ले लें। क्योंकि डिग्री कंप्लीट होने के बाद आपको ये कोर्स 3 साल का पड़ रहा है और 12th के बाद ये कोर्स आपको 7 सालों का पड़ता है। हालांकि ये जो कोर्स है लोगों को बहुत पसंद है और मुझे भी इस कोर्स के बारे में थोड़ा सा बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इस कोर्स में हालांकि जो सिलेबस करिकुलम है बहुत अच्छे से दिया गया है और इस कोर्स में जो चीज़ें हैं बहुत अलग है बाकी के फील्ड ऑफ फार्मेसी से। दूसरी बात यहाँ पे याद है कि पोस्ट बैकलोरेट फार्मेसी करने के क्या फ़ायदे रहेंगे या फिर नुकसान रहेगा, तो देखो ये देखने का नज़रिया, अगर हालांकि अगर आप मुझसे पूछोगे कि कौन सा कोर्स करने से फ़ायदा रहेगा तो मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि कौन सा भी कोर्स करने से आपको डायरेक्टली फ़ायदा नहीं होता, इनडायरेक्टली फ़ायदा होता है, क्योंकि उस कोर्स के फ़ायदे या नुकसान आपको डायरेक्टली या फिर इमिडिएटली पता नहीं चलते, लेकिन कुछ सालों बाद आपको उसकी चीज़ें पता समझ में आ जाती है। यहाँ पे दूसरी बात ये आती है कि ये जो कोर्स है पोस्ट बैकलोरेट फार्मेसी, ये कोर्स करने के फ़ायदे ये होते हैं कि आप जब डिग्री कम्प्लीट कर लेते हो तो आप डिग्री में लगभग 63 पेपर देते हो, 63 आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, यानी प्रैक्टिकल, अगर प्रैक्टिकल और थ्योरी को आप 4 साल की मिला दो तो 63 या फिर 65 आप टोटल पेपर देते हो। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है कि आपको फार्मेसी का नॉलेज लगभग आ जाता है। और ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद बी फार्मेसी अगर आप पोस्ट बैकलोरेट फार्मेसी यानी फार्मडी को एडमिशन लेना चाहते हो तो आपको इसका फ़ायदा क्या होता है कि आपको वो कोर्स करने के दौरान आपको नॉलेज ऑलरेडी होता है, उस तरह से आपको एडिशनल यहाँ पे हम बोल सकते हैं हेल्प होती है। और पोस्ट बैकलोरेट फार्मडी करने के बाद आपको यहाँ पे नॉलेज में आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। और ये जो फार्मडी का जो कोर्स है थोड़ा सा रिसर्च के बेसिस के ऊपर भी है, तो अगर आपका बेसिक्स अच्छे से होगा, अगर आप बेसिक में थोड़ा सा अच्छा सा काम कर पाते हो तो आपको इसका भी फ़ायदा यहाँ पे पोस्ट बैकलोरेट फार्मेसी या फिर पोस्ट बैकलोरेट फार्मडी कोर्स करने के दौरान बहुत अच्छे से होता है। यहाँ पे एट द एंड बात ये आती है कि इसके क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं डिग्री के बाद करने के, यानी जिन डिग्री के बाद 3 साल लोग तक टाइम देने का यहाँ पे इसका कुछ फ़ायदा होता है या फिर नहीं होता, तो ज़रूर फ़ायदा होता है दोस्तों इसका, क्योंकि ये कोर्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉरेन के कंट्रीज़ में। हालांकि फार्मडी बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है फॉरेन के कंट्रीज़ में, USA में तो हालांकि हर एक फार्मेसी के स्टूडेंट को यहाँ पे डॉक्टर बोला जाता है, क्योंकि हर एक फार्मेसी का स्टूडेंट वहाँ पे फार्मडी कोर्स पढ़ता है। वहाँ पे ना ही कोई बी फार्मेसी वाला कोर्स है, ना ही कोई एम फार्मेसी वाला कोर्स है, वहाँ पे फार्मडी है, MS इन फार्मेसी है, तो बहुत अच्छे से कोर्स है। और इस कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको फॉरेन में जाने के भी बहुत अच्छे से चांसेस होते हैं। मैंने वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी देखे जो यहाँ पे कोर्स कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे फॉरेन के कंट्रीज़ में गए थे रिसर्च के लिए, उनकी स्टाइपेंड वगैरह उनको वहाँ पे मिलता है, बहुत अच्छा सा यहाँ पे इस कोर्स के दौरान आपको हाइप मिलती है, बहुत अच्छे से सपोर्ट भी मिल जाता है। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आ गया, मुझे पहली बार देख रहे चैनल के ऊपर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना, इस वीडियो में कोई चीज़ें कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।